सो हे गाइस, हियर जोपी आदर्श सर आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और नई सोलो कॉन्कर के रैंक पुशिंग वीडियो लेकर। सो गाइस, इस वाली वीडियो में मुझे देखना यहाँ पर कितना प्लस मिलने वाला है, क्योंकि यार आज मैंने एक ट्रिक लगाई जिससे मुझे इंडियन लॉबी तो मिल गई और साथ ही में मेरा पिंग भी आप देख सकते कि ग्रीन है और 20 है, जो कि मैं ये पिंग देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि गाइस आपको भी पता है, पिछला गेम प्ले मैंने कुछ 150 पिंग पे खेला था शायद से, जब मैं डायमंड पे था। लेकिन अब मुझे गाइस ऐसी ट्रिक पता चल गई है ना, जिससे मुझे इंडियन लॉबी के साथ साथ मेरा पिंग भी अच्छा आ रहा है और साथ में गाइस मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना अभी खेलने में। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट भी हो रही है गाइस एंड सर्कल में और काफ़ी ज़्यादा बंदे भी अलाइव है, जिसके कारण मुझे अभी अच्छा खासा प्लस मिल रहा है। और गाइस आज मैंने क्राउन कर लिया है और आपको आज गाइस दो गेम प्ले देखने को मिलेंगे। ये तो पहला गेम प्ले जो ब्रिज कैंप वाला है, और दूसरा गेम प्ले गाइस आपको चिकन मिलेगा। पहला गेम प्ले में मैं देखना किस कारण मरा था। फिलहाल तो यहाँ पर यासना पे आकर जल्दी से अपने लूट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ते सीधा ब्रिज की तरफ। सो गाइस मैं अपने यूएस लेकर ब्रिज की तरफ आ रहा था, और लेफ्ट में जो गाइस ऊपर टावर दिख रहा है आपको, वहाँ पर मैं ये पहले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ से हमें गाड़ी रेंडर होते हुए दिख जाती है। और इस बंदे को देखना, क्या ही चुलती, इस बंदे को भी देखो बस आप यहाँ पर। पहले तो ये मुझ पर फायर लेगा, ये देखो इसकी गोलियाँ कुछ भी कनेक्ट नहीं होती है, और बाद में देखो इसमें इतनी चौड़ आ जाती है ना भाई, डायरेक्टली मेरे मुंह पे रश मार रहा है। देखो बस आप यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं सोच ही रहा था यार ये कुछ करे गलती, और देखो बस भाई, मतलब मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया था, तू डायरेक्ट मेरे मुंह पे रश मार रहा था। फिलहाल इस बंदे को तो काफ़ी इजीली निपटा दिया, लेकिन इस बंदे की वजह से गाइस यहाँ पर मेरे कितने किल्स मिस होने वाले बस देखो आप। और यहाँ पर जो सामने ब्लू हाउस दिख रहा है ना गाइस, वहाँ से भी एक M16 वाला बंदा मुझे डैमेज देने की ट्राई करेगा और मुझे किल करने की ट्राई करेगा। देखो बस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती है, इस पर भी देखो ऐसे मैं फायर लेता हूँ। आपने भी देखा होगा गाइस यहाँ पर रेड रेड कलर का खून निकला, अगर थोड़ा और क्लोज से बंदा निकलता ना तो इसे मैं इजीली निपटा देता। और यही बंदा गाइस आगे जाकर ब्रिज कैंप करने वाला है। और इस यूएस वाले को भी देखो भाई, भले ही आप गाइस गाड़ी से उतार ना पाओ बंदों को, लेकिन गाइस आप उन पे फायर लो ताकि बंदों को डर तो लगे कम से कम। और ये M16 वाले को देखो भाई, एक गोली इसकी कनेक्ट हुई, टपाटप भाई कतई पेल रहा है, मुझे बच गया। लेकिन मैं यहाँ पर इस बंदे को भी निपटाएंगे गाइस, बस आप देखो अब। सो यहाँ पर मेरे पास गाइस 5 की एमओ काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, हील करके गाइस मैं जिस बग्गी वाले को देखो आया स्टार्टिंग में मारा उस बंदे की क्रेट पर, पहले तो नेड कर देता हूँ, मुझे क्या पता, मैं चेक ही नहीं किया कि यार नेड है या स्मोक है। लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया तो अरे यार मैंने गलती से नेड फेंक दिया, वो तो अच्छा हुआ मैं स्टार्टिंग में डायरेक्टली नहीं गया, नहीं तो मेरे ही नेड से मैं ही मर जाता। जल्दी से मैं गाइस उसकी क्रेट में से लूट लेता हूँ फटाफट जाकर, और उसकी क्रेट में से मुझे M4 मिल जाएगी। और इस बाइक वाले को भी देखो भाई, कतई मतलब यार इतने किल्स मिस हो रहे थे ना मेरे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी गाइस आपका भाई देखो यहाँ पर कैसे किल्स निकालने वाला है ब्रिज पर। पहले तो मैं सोच रहा था इसकी बग्गी ले लूँ, लेकिन जब देखता हूँ इसका टायर ही फटा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपने यूएस के पास जाता हूँ जल्दी से, और यूएस लेके सीधा ब्रिज के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर कैंप करते हैं और काफ़ी बंदों को अपने निपटाना है। जो बंदा गाइस ब्लू हाउस में M16 वाला था, उसने मुझ पर फायर लेने का ट्राई किया। अगर यही गाइस ये बंदा ऑटो फायर करता या फिर कोई ऑटो गन से फायर करता तो शायद मुझे मार पाता, लेकिन ये सिंगल टैप दे रहा है। सिंगल टैप कहाँ कनेक्ट होते हैं भाई चालू गाड़ी में, देखना गाइस यहाँ पर कितने किल्स मिलने वाले। पीछे जो बंदा कैंप कर रहा था ना, वो बंदे के लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके पास मैंने एक भी गाड़ी जाने नहीं दी, सब मैंने ही उतारी। बस देखो आपको क्या मज़ा आने वाला है बस यहाँ पर। यहाँ पर ये पहले बग्गी वाला बंदा आता है, इस बंदे के साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है, मुझे कतई बुरा लगा इसके लिए। पहले तो इतना डैमेज मैं देता हूँ, पीछे वाला बंदा भी डैमेज देता है, लेकिन वो बेचारा जाकर अपनी गाड़ी ठोक देता है ब्रिज पे और वहाँ पर ही किल कर देता हूँ मैं उसे AKM से काफ़ी इजीली। और लेफ्ट में जो ड्रॉप दिख रहा है ना गाइस, वहाँ पर उसका भी ध्यान रखना था मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर 6x से देख रहा था कि भाई बंदा कहीं मुझे निपटा ना दे, क्योंकि यार अक्सर मैंने इतने हेडशॉट खाए हैं ना जब से मैं सोलो खेल रहा हूँ, तब से मुझे ओम से नफरत होने लग गई है भाई। मतलब जिस बंदे को देखो साला मेजे ही हेडशॉट चिपका के चला जाता है। एक और आपको हेडशॉट दिखाऊंगा गाइस एंड में, ज़रूर रुकना उसके लिए। और एंड वाला गेम प्ले तो इससे भी कतई ओपी वाला है, बस ये ज़रूर देखो। और यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों से हमें यहाँ पर एक प्लेन उड़ता हुआ आता दिख रहा है, देखो भाई कतई सस्ते नशे करके घूम रहा है, जोन उस साइड है फिर भी इस साइड जा रहे हैं। थोड़ी देर और अगर यार गाइस ये रहता ना तो मैं इसे इजीली गिरा देता, लेकिन क्या करूँ वो बंदा भी मेरे रेंज से दूर चला गया।
मैं जल्दी से यहाँ पर एमओ लूट लेता हूँ यार, 5K एमओ मेरी खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर AKM से मुझे काम चलाना पड़ रहा था। देखो उसी उसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है अभी भी, लेकिन वो बंदा अलग ही नशे में था भाई, क्या बोले उसका। यहाँ पर देखो गाइस, मुझे एक ओम का बॉडी शॉट पड़ने वाला है भाई। वो तो अच्छा हुआ हेडशॉट नहीं पड़ा, और लेवल 3 का हेलमेट था मुझ पर। अगर मुझ पर लेवल 3 का हेलमेट ना वेस्ट ना होती तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली किल हो जाता गाइस, लेकिन मैं बच गया यहाँ पर क्योंकि मेरे पास लेवल 3 का वेस्ट था। मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक प्रोन हुआ पड़ा रहता हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा कहीं से भी पीक लेकर मुझे ही टारगेट करके मार रहा था। इसीलिए मुझे यार ओम वालों का बहुत गुस्सा आने लग गया है अभी। और इस बंदे की क्रेट से मैं बैरल उठा लेता हूँ, क्योंकि यार देखो जब भी रिलोड कोई गन आती है तो मैं डायरेक्टली गन स्विच कर लेता हूँ, इसीलिए मैं इस क्रेट से बैरल जल्दी से उठा लेता हूँ। एमओ रखता हूँ मैं 5 का, मुझे पता था बंदे आएंगे तो मैं उन्हें उतार कर ईजीली उन्हें लूट लूँगा। और ये पीछे वाला बंदा देखो फायर कर रहे जा रहे कर रहे जा रहे। यहाँ पर मैं प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था यार हेड शॉट ना पड़ जाए। ओम वाला बंदा देखो क्या गलती करता है, प्रोन होके कतई इसे 2 गोलियाँ पड़ती है AKM की, लेकिन बच जाता है। लेकिन मैं भाई मैं पूरा लेट जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था यार वो मुझे ज़रूर ओम का चटोला देगा, इसीलिए वो मुझे देख रहा था, इसलिए मेरी पटिया और मैं लेट गया वापस। मुझे डर इसी बात का लग रहा था कि यार कोई हेडशॉट ना चिपका दे बस, बाकी आ जाओ AR में सबको कुत्ता बना दूंगा। और ये एक और US आती है, इसको भी देखो कैसे उतारेगा तुम्हारा भाई। भाई कतई बैरल से चौड़ में आ रहा था, उतार दिया उसे इजीली। और ये बोट वाला तो यार चला गया, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बोट वाला इजीली निकल गया। मैं देख ही रहा था, लेकिन छोड़ो भाई और गाड़ी आने वाली है, बस उसके लिए वेट करो। गाइज अगर ये वाले 2 किल पसंद आए तो यार क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हैं, और जल्दी से गाइज जो सब्सक्राइबर्स है वो लाइक करें, क्योंकि यार ऐसा स्प्रे आपके भाई ने काफ़ी कम ही दिया है, इसीलिए यार इस चीज़ के लिए लाइक तो बनता है। और साथ ही में जो बंदे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, वैसे मैं कभी जल्दी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन यार इतना अच्छा स्प्रे दिया यार इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है भाई लोग। सो एक क्रेड देखो बस, आप यहाँ पर क्या ही ब्रिज पे तबाही मचाई है भाई, कतई मज़े आ गए थे। देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये देखकर इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे, मैं बोला भाई क्या बात है, मैं अभी VP सिंह बन गया। क्योंकि यार VP सिंह की वीडियो देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूँ सच्ची बताओ तो, क्योंकि वही यहाँ पर आते और ब्रिज कैम्प करते, कतई OP वाला वो भी। इन सबको तो मैं आराम से लूट लेता हूँ और जोन में जाता हूँ, और यहाँ पर जोन में जाने के बाद मेरे साथ क्या काम होने वाला है वो ज़रूर देखना बस आप। यहाँ पर गाइस मैं जोन में आकर हील कर लेता हूँ और बूस्ट भी लगा लेता हूँ। 10 सेकेंड बचे थे और जोन श्रिंक होने के लिए, और मैं जोन के बाहर ही था। ब्रिज से आते टाइम गाइस थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वहाँ पर वो बंदा भी देखो मैंने बताया था आपको जो कैंप कर रहा था, वो बंदे का मैं वेट कर रहा था। और देखो भाई और ओम वाले भाई, मतलब कितने ओम यहाँ पर। देखो भाई मैंने चेक नहीं किया था कि बग्गी में पेट्रोल है या नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर किस गलती की वजह से किल हुआ वो देखो, ये देखो मेरा ध्यान ही नहीं गया यार फ्यूल पे और मैं इजी किल हो गया यहाँ पर, क्या ही बोलूँ, सैड लाइफ। कतई भाई 1 KD के नुबड़े से मर गया मैं। सो गैस इस वाले मैच से मुझे मिल जाता है 15 का प्लस, यार इतना कम प्लस क्यों। लेकिन इसके बाद वाला मैच देखो गैस यहाँ पर कितना मस्त होने वाला है। गैस यहाँ पर इस वाले मैच में मेरे साथ स्कैम हो गया, रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट थी, और एंड में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ताकि मैं दिखाऊँ कि मैं क्राउन टीयर पर पहुँच चुका हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।